हाय गाइस, तो YouTube के इस हफ्ते के नए अपडेट्स आ गए हैं और इस बार जो है आपके लिए पांच नए अपडेट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो पहला अपडेट है वो है कोरोना वायरस को लेकर। तो अगर आप लोग जो है YouTube के ऊपर कोरोना वायरस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओगे तो आपकी वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी, उस पर एड्स जो है वो नहीं चला जाएंगे, क्योंकि YouTube का यहाँ पे ऐसा मानना है कि जो कोरोना वायरस टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और इसको बनाने के पीछे जो क्रिएटर है उसके दो मकसद है, एक तो अवेयर करना, तो अवेयर करने वाली वीडियो पे एड्स दिखाना कोई समझदारी की बात तो है नहीं, और दूसरा कि कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो कि ये जान रहे हैं कि इस समय कोरोना वायरस का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो व्यूज़ लेने के लिए, चैनल को ग्रो करने के लिए और जो है पैसा कमाने के लिए जो है वो लोग लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस वजह से यूट्यूब ने ये डिसीजन लिया है कि अगर आप लोग जो है कोरोना वायरस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो तो वो वीडियो आपकी मोनेटाइज नहीं की जाएगी। इसके बाद जो दूसरा अपडेट है वो है एडसेंस पॉलिसी को लेकर। तो जनवरी 2020 में एडसेंस की पॉलिसी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं और ये जो बदलाव है वो है रीयूज कंटेंट और रिपीटेड कंटेंट को लेकर। तो इसके अंदर एडसेंस ने आपको ये बात क्लियर की है कि किस टाइप का रीयूज कंटेंट या कॉपीराइट कंटेंट यूज़ करने से आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा या फिर मोनेटाइज नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जो है किसी भी अदर क्रिएटर का कंटेंट जो है अपने चैनल पर डालते हैं, ओरिजिनल कंटेंट डाल देते हैं या फिर थोड़े बहुत एडिट करने के बाद डालते हैं, तो उससे आपका चैनल जो है मोनेटाइज नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप जो है कोई भी टीवी सीरियल डालते हैं या फिर सोशल मीडिया से वीडियो उठा कर डालते हैं, जैसे कि टिकटॉक की वीडियो उठा के बना लेते हैं अपनी वीडियो और डाल देते हैं, इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स के रिप्ले वगैरह होते हैं वो उठा के जैसे कि तैसे डाल लेते हैं, उसमें आप जो है थोड़ी बहुत एडिट कर देते हैं और अपनी वॉइस नहीं डालते हैं, कमेंट्री नहीं डालते, कोई भी एफर्ट नहीं करते हैं, तो उससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपको अपने चैनल को मोनेटाइज कराना है तो आपको इस तरीके के कंटेंट में, जैसे कि आप सोशल मीडिया से वीडियो उठा रहे हैं, मीम्स उठा रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो उठा रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स के रिप्ले दिखा रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में आपकी वॉइस होना ज़रूरी है, आपकी कमेंट्री होना ज़रूरी है। अगर कमेंट्री नहीं होगी तो मोनेटाइजेशन का कोई भी चांसेस नहीं बनने वाला है। इसके अलावा जिनका चैनल जो है रिएक्शन वाला है, जो दूसरे क्रिएटर के वीडियो पे रिएक्ट करते हैं, उनका चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाएगा, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एडसेंस ने क्लियर किया है मोनेटाइजेशन को लेकर, और इसके बारे में होगा तो मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तीसरा अपडेट है स्नैपशॉट को लेकर। तो जब भी आप लोग कोई भी लेटेस्ट वीडियो को पब्लिश करते हो तो पब्लिश करने के बाद उस वीडियो का जो स्नैपशॉट होता है वो आपको नए वाले यूट्यूब स्टूडियो में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आपकी ये जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपकी पुरानी वीडियो से किस तरीके से कंपेयर कर रही है या फिर किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो अब इस स्नैपशॉट के अंदर जो है CTR को भी ऐड कर दिया गया है। तो जब भी आप लोग जो है वीडियो पब्लिश करोगे तो पब्लिश करने के 3 घंटे बाद जो है आपको अपनी लेटेस्ट वीडियो का जो CTR है वो स्नैपशॉट के अंदर देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको ये बात पता रहेगी कि आपके इंप्रेशन कितने पड़ रहे हैं और उस पर जो क्लिक्स हैं वो किस हिसाब से पड़ रहे हैं। अगर आपके जो है CTR कम आ रहा है तो ऐसे में आप जो है अपने थंबनेल को चेंज कर सकते हो, और थंबनेल को चेंज करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो है क्लिक्स वगैरह जो है वो पहले से ज़्यादा पड़ने लगेंगे, तो आपकी जो वीडियो होगी उसको रैंक होने में इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे ऐड किया है यूट्यूब ने। इसके बाद जो चौथा अपडेट है वो है वीडियो लेवल पे सब्सक्राइबर बेल नोटिफिकेशन CTR को लेकर। तो पहले ये जो था वो चैनल लेवल पे हुआ करता था, जहाँ पे आपको ये बताया जाता था कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कितने लोगों ने आपके चैनल के बेल आइकन को भी इनेबल किया है, ऑन किया हुआ है, और कितने लोगों के पास जो है आपकी वीडियो के नोटिफिकेशन जाते हैं। बट इसे अब जो है वीडियो लेवल पे भी किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप लोग जो है कोई भी नई वीडियो अपलोड करोगे और पब्लिश करोगे तो पब्लिश करने के बाद जो है आपको ये बताया जाएगा कि आपकी वीडियो के नोटिफिकेशन कितने लोगों के पास गए हैं और आपकी वीडियो के नोटिफिकेशन का CTR कितना है, मतलब कि कितने परसेंट लोगों ने आपके नोटिफिकेशन पर क्लिक किया है, और उसके बाद जो है आपको ये दिखाया जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन से कितने व्यूज़ मिले हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो है किस टाइप का कंटेंट अपलोड करते हैं तो उससे आपके जो है कितने व्यूज़ आ रहे हैं। तो इससे आपको ये समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगा कि किस टाइप के कंटेंट को आपकी ऑडियंस जो है ज़्यादा पसंद कर रही है। तो ऐसे में आप जो है उसी टाइप का कंटेंट भी बनाओगे, और इस टाइप का कंटेंट बनाने से क्या होगा कि आपका चैनल जो है वो तेज़ी से ग्रो होगा, तो इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद जो पाँचवा अपडेट है वो है येलो डॉलर को लेकर। तो YouTube का ऐसा बोलना है कि आजकल जो है बहुत से क्रिएटर को येलो डॉलर की प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे बचने के लिए उनको क्या करना होगा कि जब भी वो लोग अपनी वीडियो को अपलोड करें तो अपलोड करने के बाद जो है उसे 2-3 घंटे के लिए अनलिस्ट कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो YouTube की मशीन लर्निंग है या फिर YouTube का जो एल्गोरिथम है वो उस वीडियो के डाटा को अच्छे से समझेगा, ठीक है, एनालाइज करेगा, और अगर आपकी वीडियो में सब कुछ ठीक होगा, आपकी वीडियो एड फ्रेंडली होगी, तो आपका जो येलो डॉलर है उसको हटा के वो लोग ग्रीन कर देंगे, और जब भी आप लोग जो है वीडियो पब्लिश करेंगे तो आपके जो वीडियो पे एड्स आते हैं सही वाले
वो आपके प्रॉपर आते रहेंगे, कोई भी एड्स लिमिट्स वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, और इससे जो यूट्यूब क्रिएटर है उसको बेनिफिट मिलेगा और येलो डॉलर की प्रॉब्लम जो है उनको नहीं आएगी। तो गाइस ये थे इस हफ्ते के 5 अपडेट, और अपडेट जो है काफ़ी ठीक ठाक थे। तो आई होप कि आपको ये अपडेट पसंद आए होंगे। अगर अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।